थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. यू आर वेलकम. आई लव यू. आई लव यू टू. हाँ जी भाई, अगला दिन शुरू हो चुका है और 14 फरवरी है आज. लेकिन टेंशन नहीं लेनी, बताता हूँ भाई. चल तू सो जा, मैं ना अपने काम वगैरह मैं कह रहा हूँ, मैं तू सो जा, मैं फिर अपने काम वगैरह मुका के आऊँ. भाई को छोड़ के जा रहा आज. यार 14 फरवरी है, तू भी जा कहीं इधर उधर बाहर फिर क्या. मेरा मोबाइल भाई, मोबाइल और ये कंबल, और कंबल में मंगल. अरे आज अपना आज है भी मंगल. चल मैं निकल रहा हूँ, ठीक है. घर का ख्याल रखिए, मेरे कमरे में ना जाए. ठीक है यार, भी हम लोग जा रहे हैं डेट पे, तो यार दो बार मुंह धोना पड़ेगा, एक तो, और बाल वगैरह भी थोड़े बनाने पड़ेंगे, टाइम लग जाएगा, रगड़ रगड़ के नहाना पड़ेगा. करते हैं भाई. तेरे पास कोई सेक्सी सा परफ्यूम पड़ा है तेरे पास? मेरा पड़ा है उधर, इवेंट वो पड़ा है, डियोर का पड़ा. यार वैसे कसम से ना मैं जेलस हो रहा हूँ, ये जो तेरा पोजीशन है ना, कंबल और चिल मारो. यार मैं रात को कितने बजे, कोई सुबह सुबह 9 बजे तो सोना शुरू किया मैंने, और मुझे 1 बजे उठना पड़ रहा है. यार तू रेडी तो हो गया, बड़ा पप्पू लग रहा है, लेकिन भाभी का कभी तूने बताया क्या सुना? यार वो फिर कभी. पक्की बात? फिर कभी. बड़ी लंबी छोड़ी है. तो यार नानू लिया जैकेट वैकेट पहन लिया. तुम लोग सोच रहे होगे कि यार ये जैकेट तो तुमने परसों भी पहनी थी. यार मैं लड़की थोड़ी हूँ, हमारी तरह के रोले नहीं होते. ठीक है, जो मिला पहन लो. और वैसे भी मैंने जिंदगी में दूसरी बार ये जैकेट पहनी है, एक तरह से नई है. इन चीजों के बारे में नहीं सोचते कि क्या पहना है क्या नहीं पहना, ये लड़कियों का रोला है, हमारे रोले नहीं है. ठीक है, जब तक बू नहीं आना शुरू हो जाती ना कपड़ों से, तब तक पहनी जाओ. अब यार थोड़ा ना, यार एक सेकंड की दाढ़ी वाड़ी थोड़ी बड़ी हो गई, इसको थोड़ा सेट वेट करवा लेते हैं, फिर निकलते हैं. परफ्यूम वगैरह लगा लेते हैं. ठीक है, बस थोड़ा ना क्रीम श्रीमें लगानी पड़ेगी. नीचे ना मामा के टेबल से उठा लेता हूँ, छुपके से उठानी पड़ेगी. अच्छा, वो भी नमाज पढ़ रही है. अच्छा, नमाज नमूज पढ़ ली उन्होंने, मेरी आवाज़ उठा लेता हूँ. ओह ठीक है, बस यही चाहिए. ये हम लोग रास्ते में गाड़ी में लगा लेंगे, पहले बहुत लेट हो रहे हैं. हाँ जी, आ गए स्कूल से? हाँ, क्या क्या किया आज? डेट वेट पे नहीं गए आप? नहीं गए हो? थोड़ा लेट हो गया स्कूल से. हैं एक बजे आप स्कूल से आया थे, ये 3 बजे घर आके क्या कर रहे हो आप? नहीं, वैसे ही छुट्टी लेट दी थी. छुट्टी लेट दी थी है? अच्छा बताओ नहीं, कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत ही फिजूल लफंगर ऊंचा. यार मैंने दाढ़ी शाड़ी थोड़ी कटवानी है, लेकिन घर पे ट्रिमर नहीं मिल रहा, तो हम लोग जो है ना रास्ते से करवा लेते हैं. अब वकार से हमारा हमसाया तो है नहीं कि मतलब ट्रिमर मिल जाए इधर उधर. तो यार थोड़ी दाढ़ी शाड़ी सेट करवा के मुंह सीधा करवा लिया है, और अब हम लोग सीधा जा रहे हैं. काफी लेट हो गए हैं, लेकिन देखी जाएगी. एक तो ये रहती मेरे घर से घंटा दूर है, इसलिए मैं लैपटॉप वगैरह साथ. वो लैपटॉप घर रह गया, वो तफ लैपटॉप बाकी घर रह गए, वो लैपटॉप घर रह गया. कोई कॉल उठा ले, कोई कॉल उठा ले, कोई कॉल उठा ले. कोई भी कॉल नहीं उठा रहा. हेलो मेरी जान, मैं ना गाड़ी वापस मोड़ रहा हूँ. ठीक है, मेरा ना लैपटॉप घर रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट है. कसम से मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा पक्का. आधा घंटा शायद लेट हो जाऊं, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा. तो यार गाड़ी वापस मोड़नी पड़ेगी. जल्दी भाई, के दिन भी यही कच्छ मार ली मैंने भाई. आधे घंटे तक हम लोग पहुंच जाएंगे. लैपटॉप पकड़ लिया, हम लोग को दस्ती जाना पड़ेगा. इतना लेट? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? इतना लेट क्यों आए हो? यार वो मैंने तुम्हें बताया ना, लैपटॉप घर रह गया. क्या? लैपटॉप घर रह गया. तुमने मुझे 3 बजे का बोला था, तो अभी क्या 5 बज गए ना. हाँ, दो घंटे सिर्फ, दो की क्या वैल्यू है? मुझे बताओ नीचे, अगर तुम्हें गिरे हुए 2 रुपए मिले हैं तो तुम्हें उसकी वैल्यू नजर आएगी? ठंडी जगह थी बहुत. यार मैंने लेट वेट कोई नहीं होना. हाँ ठीक है, मेरा लैपटॉप घर रह गया और मैं उठा भी थोड़ा लेट था. तुम बताओ ठीक ठाक हो? मैं बहुत अच्छी हूँ. क्या खाओगी? मुझे तुम लेके जाओगे पेंट हाउस. पेंट क्या? पेंट हाउस. पेंट हाउस? हाँ, जहाँ पेंटे बनती है वहाँ पे? नहीं, फिर तुम्हें पेंट हाउस का नहीं पता? यार इधर किसी अनवर बिरयानी के पास जाओ, वहाँ पे शामी दाल वाली डालो, उसमें रायता फास्टिंग की बोतल. सॉरी, चस आ जाएगी. नहीं, क्या आ जाएगी, मजाक नहीं कर रहा. मुझे पेंट हाउस जाना है, वरना मैं जा रही हूँ वापस. पेंट, यार जिस जगह का सही से मेरे से नाम नहीं लिया जा रहा है, वहाँ पे इनको जाना है. वहाँ पे क्या मिलता है? वहाँ पे खाना मिलता है. और क्या मिलता है? क्या खाने का नाम बताना जरा. तुम जाओगे तो पता चल जाएगा. नहीं वैसे तुम्हें दिल क्या करे, पेंट हाउस से मिलता क्या है? कुछ तो मिलता होगा. खाना मिलते साथ बर्गर्स. यार ये बर्गर पिज़्ज़े, ओहो यार ये बर्गर पिज़्ज़े खुराक नहीं होती. पास्ता. यार कोई क्राइयां श्राइयां मंडो, पता लगे कुछ पेट के अंदर गया यार. मेरा नहीं दिल ना वो खाने का. खाया करो, देसी खाने का दिल नहीं है मेरा. और यार ये पिज़्ज़े पूज़े से क्या पेट भरते हैं. सुबह का नाश्ता नहीं किया मैंने. देखो इतना किया तुम्हारे लिए कि मैं सुबह नाश्ता किए बगैर तुम्हारी तरफ निकला हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि हम लोग साथ मिलके नाश्ता किए बगैर निकलो, फिर भी 5 बजे पहुंचो. चलो पेंट हाउस. साथ एक तो लेट इतना हुए हो, और ऊपर से इतनी गंदी गाड़ी. गाड़ी गुड़ी की टेंशन ना लो, ये लो होगी साफ. और ये क्या है, मुनीब की चप्पल पड़ी हुई है उस दिन वाली. ओए ये वो स्कूल के लिए लेट हो गया है, वो चप्पल उसकी अभी भी यही है, वो घर पे ढूंढ रहा है. वो बेचारा परेशान हुआ है, मेरी चप्पल कहाँ गायब हो गई है. शुक्र है कि तुमने बता दी है कि उसकी चप्पल यहाँ पे है. तो जब तुम्हें पता था कि मैंने आना है तो ये चप्पल नहीं उठानी थी. मेरी नजर नहीं आई ना. अब वो तो अब तो तुम हो ही इतनी अच्छी, तुम्हें पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ पे गलत हो रही है, तो तुम मुझे बता.
हाँ और यार ये पेंट पुंट हाउस जो भी है ना तुम कह रही हो वहाँ 3-4 हज़ार का बिला वगैरह का बिल बनना है, मैं तो कहता हूँ इधर जाओ बिरयानी पकड़ते हैं ठीक है, 400 रुपए की पूरी चस आ रही है, पेड़ भी भर जाएगा मजाक के अलावा। मेरा दिल नहीं है। चलो यार अभी हम लोग जो है ना मेडिकल स्टोर से मास्क पकड़ लेते हैं क्योंकि मेरे पास मास्क नहीं है, लोग पहचान लेते हैं फिर जो है ना परेशान हो जाएगी बेचारी, तो इसलिए जो है ना हम लोगों को मुंह छुपा के जाना पड़ता है जहाँ पे भी हमें जाना है। यार वो देखो डोगर रेस्टोरेंट वहाँ पे कराइयां मिल सकती हैं, तुम कहाँ मुझे पता नहीं कौन से चुंग चांग लेके जा रही हो, और नहीं मूड इस वक्त बर्गर पिज्जे का यार। क्या खाना तुमने? रैप्स। पिज्जा मंगवा लेते हैं मीडियम साइज या लार्ज? नहीं नहीं इतना बड़ा पिज्जा क्या करना, स्मॉल ठीक है। ओ मैं हूँ ना। हाँ इधर देखो ये स्मॉल पिज्जे वाला लगता हूँ मैं तुम्हें। मैं कब से कह के थक गया कि यार कोई कराई वराई मंगवाओ, ये क्या पापड़ मंगवा के बैठ गई हो यार, यानी क्या है इससे तुम पेट भरती हो, ये तुम्हारी खुराक है ठीक है। थैंक यू। कोई मसला नहीं। थैंक यू। या ये दुनिया नहीं चाहती कि हम दोनों जो है ना सुकून से मिलें, खैर है पाकिस्तान से बाहर जाके मिला करेंगे किसी दिन। यार ये होगा अब तुम अगर मेरे साथ घूमोगी तो। तो यार आपकी भाभी ने तो सूप मंगवा लिया है ठीक है, कैसा है? बहुत मजे का है, खट्टा लग, खट्टा खट्टा लग रहा है मुझे तो। तुमने डाली है मिर्चे मुर्चे डाली है तुमने, टेस्ट कराना जरा, टेस्ट कर लूं। हाँ, मना तो नहीं है? नहीं नहीं। कैसा अच्छा है? लेकिन सॉल्टेड कैरमेल संडे ज्यादा बेहतर है। तुम्हें सॉल्टेड कैरमेल संडे का पता है? तुम्हें खिलाता हूँ आज। चलो ठीक है। तुम जो नाराज हुई है ना मेरे से लेट आने की वजह से, हमारा मूड सेट करता हूँ आज। हमारी रोटी भी आ गई है, ये गेस करो क्या है? ये प्रॉन्स है। ये प्रॉन्स है, फ्राइड प्रॉन्स। हाँ जी, अब इसको खा के पता लगेगा कि कुछ गया है। ये सूप सूप से क्या बनता है तुम्हारा, वैसे तो इससे भी कुछ नहीं बनना। ये खाओ एक बार। नहीं। एक बाइट। नहीं। एक बाइट। साथ नहीं। कैसा है? अच्छा है। बड़ा जबरदस्ती बोला है तुमने, अच्छा है। यार एक काम करो, ये पैक कर दो और जो भी है ना नेक्स्ट ले आओ। चलो यार ये चोल शोल मंगवा लिए हैं, ये खाया करो। ये सूप वूप से तुम्हारा कैसे पेट भर रहा है यार? चाइनीज चोल मंगवाए हैं, अंडा शंडा भी है इसके अंदर। तो आपने आपका जो भी दोस्त आया था अहमद जी, एसएन उसने आपको भेजा यहाँ पे? हाँ उसने मुझे पिक्चर दिखाई, मैंने कहा आप कैसे? ऐसा तो नहीं कि आप भी आगे किसी को ले आओ 5-6 बंदे? नहीं नहीं, आपसे वैसे और बंदे ने मिलने आ जाना। कहाँ कौन? आपकी शक्ल भी जानना नहीं, आप बैठे भी ऐसी जगह में, आपको कोई बैठने की जगह नहीं है यहाँ? अच्छी अच्छी बहुत सारी जगह है, आप अपने घर बुलाओ ना हमें, यहीं पे जे ब्लॉक। पूरा एड्रेस नहीं बताना लोगों को, उनको लगेगा कि डकी भाई बैठता ही वहाँ। आपने अभी ब्लॉग में पबजी की आईडी, एक चीज मिलेगी, या तो पबजी की आईडी मिलेगी या तो फोटो मिलेगी, अब आप मर्जी। फोटो सही बात है, अगर आपको मेंशन करूंगा आपने मुझे स्टोरी में मेंशन करूंगा। पूरे व्लॉग में आ रहे हो आपको स्टोरी मेंशन की पड़ी है। एक चीज डिसाइड करो, या तो स्टोरी मेंशन ले लो या तो व्लॉग ले लो। व्लॉग मेंशन भी दोनों नहीं, एक चीज। अब रोज रोज यहाँ आया करेंगे ताकि रोज रोज व्लॉग बन सके। ज्यादा पैसे आएंगे तो ज्यादा पैसे आ रहे हैं ना, देखो ना स्मार्ट वर्क, ज्यादा पैसे आएंगे तो आपकी भाभी को भी मैं जगह लेके आ सकूंगा, वरना वो नाराज हो जाएंगे। मैं तो चाह रहा इनको मैं लेके जाऊँ किसी बिरयानी वाले के पास, हाँ यहाँ लेके जाऊँ इनको, पता नहीं ये चुंग चांग पता नहीं क्या। वो लड़का जो अभी सेल्फी लेके गया अब किसी को कॉल कर रहा है और वो और लड़के बुला रहा है, क्या करें? दौड़ते हैं जल्दी जल्दी खाना पैक करो, निकलते हैं जल्दी जल्दी हैं, निकलो निकलो निकलो। यार ये क्या वोडका की शॉट्स है, इतना छोटा कप, कोई बड़ा मग लेके आया करो यार। खाते पीते लोग हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री है इतना ही मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फ्री है ना इसलिए इतना मिलता। थैंक यू सो मच यार। मेरी जान तुम्हारा मूड खराब था इसलिए मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए सॉल्टेड कैरमेल संडे, ठीक है? सॉल्टेड कैरमेल संडे जैसा कि तुम्हें पता ही है, ठीक है, ये तुम खाओगी तुम्हारा पूरा दिन फजूल तरीन लुच्चर किस्म का गुजरा होगा, लेकिन जैसे ही तुम इसकी एक चुस्की लोगी क्या आ जाएगी। ये लो, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। बस आज का ये सरप्राइज है, आई डोंट नो, शायद तुम एक्सपेक्ट करी होगी कि ये वैलेंटाइन डे में भालू लेके आएगा बहुत बड़ा, उससे बहुत आगे आ चुका हूँ मैं, आई एम 24 years old, ठीक है? भालू तुम। ये गुलाब के फूल और वो गुब्बारे लेके आएगा लाल कलर के। I was expecting कि ये पूरी गाड़ी में रेड बलून्स होंगे। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर से मैं अपने छोटे भाई की जूती नहीं उठा सका। उधर तुम एक्सपेक्ट करियो कि वहाँ पे गुब्बारे लगे होंगे, लेकिन खैर ये ट्राई करो यार। ओके हाँ, और यार मैं तुम्हें खिलाऊंगा इसका ना, नीचे तक चम्मच मारूंगा मैं, ठीक है? इतनी बड़ी बाइट। हाँ जी। Oops. देखो ये मैं खा लेता हूं। मेरे हाथ गंदे हो गए, मुझे टिश्यू दो। टिश्यू नहीं है। ओह शिट, जिस गाड़ी में मैं टिश्यू का डब्बा रिफिल नहीं कर सकता उसमें तुम एक्सपेक्ट करियो कि यहाँ पे टेडी बियर बैठा होगा लाल कलर का, ठीक है, गुब्बारे लगे होंगे हैं। तो यार मैं छोड़ के आ रहा हूँ इसको घर, ठीक है? ऊपर से हमें खुद भी घर जाना है, वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यू आर वेलकम। आई लव यू। आई लव यू टू। लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ख्याल रखना।